अब यहाँ पे आप देखो काफी ज्यादा छोटा पेड़ चल रहा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पेड़ लड़ाऊँ। ये रखा बाहर की खींची, बस वहीं पर ही उसकी पतंग कट चुकी है। पहला पेज काट दिया, एक और पेज चलता हुआ, अपोनेंट अब क्या ऊपर से आ रहा, फिर मैं जाके भर रहा छोड़ा और दोनों पार जो मैंने पतंगें काट ली ना कन्नों से पतंगें काटी, क्योंकि अपोनेंट काफी छोटी पतंग कर रखा था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जाना काइलर ऑफिशियल। आज की डूबी जारी पतंग उड़ाने वाले चांदार वाली रेड कलर की। और एक चीज़ मैं बता दूँ ना, आज हवा ना इतनी बढ़िया हवा चल रही है, एकदम सील वाली पतंग, बस आप पार करो और हवा में पतंग जाने दो, एकदम पतंग खड़ी रहेगी। और मेरे सर के ऊपर एक बंदा रेड कलर की पतंग उड़ा रहा है और अभी उसने दो तीन पतंगें इधर उधर की काट रखी, और ना वो बिल्कुल भी पतंग लंबी नहीं कर रहा है, थोड़ी सी पतंग लंबी करता है और कोई भी बंदा उससे लड़ाने जाता है तो वो बीच में पतंग घुसा देता है, और अगर आप आगे लड़ाने जाओगे तो आपकी सर्दी काट देगा। तो काफ़ी कर रहा सीन कर रहा, वो दो तीन पतंगें काट ली उसने, अभी देखते हैं कि हम उसकी पतंग काट पाते हैं या नहीं। आगे से और भी पतंग आपको दिख जाएंगी, ये देखो एक पतंग ये रही, वो भी पार होकर जा रही है राइट हैंड साइड की तरफ, और हमारी पतंग तो हवा में है ही। बाकी जिस बंदे की मैं बात कर रहा था वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसकी पतंग कहाँ गई, ये रही देखो, ये रेड कलर की पतंग रही। तो जल्दी पतंग पार करते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि सर्दी बांधने का मौका देगा ये बंदा नहीं देगा। अगर मांझे से लड़ाना पड़ेगा तो मांझे से लड़ा लेंगे, लेकिन पतंग जरूर काटेंगे इसकी, क्योंकि अगर इसकी पतंग नहीं काटेंगे तो ये आगे नहीं लड़ाने देगा हमें। तो देखते हैं क्या होता है, फिर वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना। अब पतंग मैंने थोड़ी सी पार करी थी, सद्दी भी नहीं बांधी थी, ये बंदा अभी से हमें लड़ाने आ गया। दोनों की रेड कलर की रही, बस उसकी प्लेन रेड है और हमारी बीच में चांद बना है रेड में। देखते हैं भाई कौन काटेगा आज का पेच पहला वाला। आगे एक पतंग है, पहले इसकी काट दो फिर आगे लड़ाने जाऊंगा। बच गया, फिर गया, रख दी। मैं सोच रहा हूँ कन्ने काट दूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है पेच, और अंदर गया। अबे यार यहाँ पे गलती क्या हो गई, मैंने अंदर की पतंग खींच दी और अपोनेंट ने उसी टाइम पे चक्कर भी दे दिए। अगर वो चक्कर नहीं देता तो शायद मैं उसकी पतंग काट देता, लेकिन अपोनेंट के चक्कर सही टाइमिंग पे आ गए, हमने अंदर की पतंग रगड़ी और हमारा ही वाला पेच कट गया पहला आज का। अब अच्छा हुआ मैंने पतंगे कन्ने ने बांध के रख लिया था, देखो पतंगे तो काफ़ी लेकर आ गए, लेकिन कन्ने दो ही पतंगों के बंधे थे, एक जो कट गई अभी आपने देखा और दूसरी पतंग ये वाले रही, इसके हमने कन्ने बांध के रखे थे। फिलहाल ये पतंग काफ़ी ज़्यादा टाइट है, हवा सील के चल रही, लेकिन ये वाली पतंग बहुत टाइट है मेरी। एक पतंग ये भी रही, ये भी काफ़ी पुरानी हो गई है, धूल मिट्टी लग गई है, तो हम ये वाली पतंग को पार करेंगे। पतंग तो यार काफ़ी टाइट है, लेकिन कोई नहीं, इसी को लड़ाते हैं दिखाते। और एक पतंग वो खड़ी है दूर में, तो उसकी भी पतंग जरूर काटेंगे, पहले ये रेड वाली की काटते हैं फिर उसकी काट के सबको दिखाते हैं। तो अब देखो हमारी पतंग पट्टेदार वाली आपको दिख जाएगी, रेड वाला हमारा अपोनेंट रहा, एक पतंग काट रखी इस बंदे ने। ओ भाई क्या ही काट दिया मैंने, ये देखो मैंने कन्ने ही काट दिए उसके, पतंग मेरी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, मैंने बाहर की पतंग खींची और डोर फेंकी एंड में, और ये वाला पेज हमने इसका काट दिया। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, जो मांझा था ना वो एकदम मेरे हाथ के पास ही चल रहा था, ये देखो मांझे की गार्ड भी यहीं पे थी, मैंने ज़्यादा सद्दी भी निकाली थी वरना ये मेरी सद्दी उद्दी में काट घुस जाता। तो एक पेज हमने काट दिया, अभी आगे लेके चलते हैं पतंग को दिखाते हैं। अब मेरी पतंग देखो काफ़ी ज़्यादा लंबी मैंने कर ली है, तो यहाँ पे एक और बंदा लड़ाने आ गया, तो रेड सर्किल में मेरी पतंग नीचे से लड़ाऊंगा। और पतंग देखो मेरी कितनी ज़्यादा टाइट है, घूम रही है एकदम गोल गोल, और ऊपर से हमारा अपोनेंट है, उसकी पतंग आपको ब्लू सर्किल के अंदर दिख जाएगी, ये बंदा हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लड़ा रहा है। अब देखते हैं कि हम भारी पतंग का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। जल्दी से पतंग मैंने छोटी करी, रखा उसने और अंदर बढ़ा मैं, बाहर की खींची पूरी ताकत से, उसने भी ताकत लगाई और अब की बार हमने ताकत लगा के अपनी भारी पतंग से ये वाला पेच काट लिया। तो भारी पतंग उड़ाने का बहुत फायदा होता है, आप पतंग देखो एक बार मेरी कितनी बहन का चक्कर ले रही है, चक्करों से आपको समझ में आ जाएगा काफी भारी पतंग है ये वाली। तो स्लोमो में आप देख सकते हैं नीचे से हमारी पतंग थी, ऊपर से अपोनेंट, ताकत दोनों ने सही लगाई थी, लेकिन अपोनेंट की पतंग ऊपर से हल्की पड़ गई, मेरी पतंग नीचे से थी भारी भी थी। तो कई बार ना कहते हैं ना कि भारी पतंग का पेच कट गया, तो वो यही वाले पेच कटते हैं, ताकत दोनों ने सेम लगाई थी, लेकिन मेरी पतंग भारी है तो मेरी डोर एकदम टाइट रही, उसकी डोर में हल्का सा झोल बना और वहीं पर ही उसका ये वाला पेच कट गया। फिलहाल अभी इस पतंग से दो पतंगें काट रखी हैं, पतंग खड़ी नहीं हो रही है, और इधर से एक और पतंग पार हो रही है, जूम करता हूँ थोड़ा सा। तो ये बंदा जैसे ही आगे
पहुँचाता अपनी पतंग, इसी से लड़ाएंगे। मेरी पतंग नीचे जा रही है, कोशिश करूँगा ये वाला पेच फंसा लूँ क्योंकि भारी है पतंग, तो कुछ तो उसका मजा लूँ यार भारीपन का। अब देखते हैं वाला पेच कैसे लड़ेगा। तो रेड सर्किल मेरी पतंग भी नीचे लड़ाऊंगा, ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल के अंदर, ये बंदा हमारा राइट हैंड आ रहा है। बड़ी तेजी में हाथ की तरफ लेके आ रहा है, मैंने हल्की पतंग हड़ी करी खींची और यहाँ पे देखो ये वाला पेच काट दिया। तो हल्की पतंग मेरे अंदर की आई और ये वाला पेच काट दिया। तो इस पतंग से मैंने 3 पेच पूरे कर लिए और अभी और आगे चलते हैं। देखो आगे भी आपको पतंगें दिख रही होंगी, वो बंदे लपेट रहा है, तो अभी उसी के पास लेके चलते हैं, उसकी भी काट के दिखाते हैं। अब यार पीछे से यार बंदा फिर से आगे, देखो मैंने कहा था नहीं सद्दी में घुसा रहा है। मेरी पतंग लंबी है, इसकी पतंग छोटी है। फंसा लिया, निकल गया यार पेच, फिर फंसाया। अब आ गया, अब तो करने काट दूंगा। अबे फिर निकल गया, अब देखो पतंग कितनी ज्यादा मैंने छोटी कर ली, लेकिन उस बंदे की किस्मत काफी तेज है, बार बार वो बच जा रहा है। फिर गया, रख दिया। अब क्या भर रहा, डोर छोड़ दिया, देखते हैं पेज आया नहीं आया, पूरी डोर छोड़ रखी। अब क्या, अरे पेज नहीं आया था, हवा पूरी सीधी है, मैं राइट हैंड और काट दिया, हवा पूरी सीधी थी, मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आया था, लेकिन फाइनली हमने डोर छोड़ के एक और पेज काटा है। और देखो मेरी पतंग कितनी लंबी थी और एंड में हमारे हाथ में फिर से मांझा आ गया, देख सकते हैं आप, मैं दिखाता हूँ। हमारी पतंग इतनी लंबी थी लेकिन एंड में हमारे हाथ में मांझा आ ही गया। तो ये बंदा यार बहुत परेशान कर रहा है बार बार। एक और पेज लड़ता हुआ यहाँ पे रेड सर्किल, मेरी पतंग ऊपर से नीचे से अपोनेंट आर पार का पेज लड़ा और एक और पतंग काटी है। अब मुझे नहीं पता है शायद 4 या 5 पतंगें हो गई हैं मेरी। अगर आप लोग को याद है या आप लोग यहाँ तक अभी मेरी पतंगें गिनते हुए आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना कि इससे कितनी पतंगें हो गई हैं। अभी और आगे चलते हैं, एक और पतंग उड़ेगी उसकी भी काट के आपको दिखाते हैं। ऊपर से मेरी पतंग रेड सर्किल, नीचे से अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्किल, राइट हैंड साइड उड़ा रहा है ये बंदा, एकदम सामने से उड़ा रहा है मेरे, बाहर की मारी, आर पार हुआ है पूरा। और अब की बारी हमारा पेज कट गया, पता नहीं कौन सा मांझा उड़ा रहा था अपोनेंट, उसकी पतंग ही नहीं कटी, पूरी हमने जान लगा दी एंड तक, लेकिन एंड में आके हमारा गला पेच कट गया। अब एकदम रात हो गई थी लेकिन पीछे से एक और पतंग पार हो गई, तो हमने सोचा इससे लड़ा लेते हैं। तो रेड सर्किल हमारी पतंग है, नीचे से लड़ा रहे हैं, ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल अंदर आ रखा है, और ये वाला पेच हमारा दोस्त लड़ा रहा है। तो हमारे हाथ में कैमरा है तो आराम से आपको पेच दिखा देंगे, इसीलिए इतना खड़ा करके हम पेच लड़ा रहे हैं क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में है। पूरी पतंग खड़ी करके दे दी, अंदर की खींची, अभी पेज नहीं हुआ है फिर। अभी भाई डोर ही नहीं मिली, और मिल गई, देखो कन्ने काट दी हमने उसके, मुझे लगा डोर नहीं मिलती लेकिन ये बंदा लड़ा था, देखो कन्ने काट दिए। तो इस वाली पतंग से भी हमने एक पतंग काट दी। ये वाली वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।